बहुत बढ़िया म्यूजिक बनाया है भाई ने, बहुत अच्छा म्यूजिक है। सारे भाई आओ और देखो। दूसरी स्टूडियो में यार, अपनी स्टूडियो में क्या फर्क है? मन भी लेने बाहर, आलू भी लेने बाहर। मैं भी पता करते करते हम आज एनवीटी स्टूडियो पे आ, मतलब आपको डर नहीं लगा भाई? कभी आलू तक नहीं लिया मैंने, डर नहीं लगा। बस बस हम पहुंच चुके हैं मनदीप जी के स्टूडियो में और ये हमारा सेकंड ब्लॉग है। और मनदीप जी क्या कर रहे हैं देखते हैं। क्या बात है मनदीप जी, देख रहे हैं हाउ टू मेक ड्रिल, कुछ देख लेते हैं कुछ अलग क्या सीख। क्या बात है सर जी, क्या बात है, क्या मजा। देखना चाहिए हमारे आसपास के जो जी जी बिल्कुल बिल्कुल क्रिएटर होते हैं, जैसे देव नेक्स्ट लेवल सर हो गए, वासुदेव सर हो गए, बेसिल्ला हो गए, और बहुत से हैं जो इंटरनेट पे कुछ दिखाते रहते हैं। अरबन सिंह हो गए, पंजाबी हो गए, उनसे कुछ ना कुछ क्या पता क्या चीज सीखने को मिल जाए। क्योंकि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है तो ये लगा लो कि देखना पड़ेगा हर एक। जी जी जी, कम भी देखना पड़ेगा, अपने से ज्यादा भी देखना पड़ेगा। पता नहीं कौन क्या हमें सिखा दे। अब मैं सोच लू की बस काम चल रहा है, सही आ रहे हैं कस्टमर, सीखने की बिल्कुल जी बिल्कुल बात नहीं है। अभी मैंने देखा था, मैंने बहुत अच्छी चीज हाउ टू मेक ड्रिल इन एफएल स्टूडियो मैंने देख ली। बाकी जहाँ तक आती है कुछ चीजें और जो लग रहा है कि हमें अंदर अपने अंदर ग्रहण करनी चाहिए, लेनी चाहिए। सर जी एक क्वेश्चन है आपसे, ये जो आपने ये जो ग्रीन टी शर्ट डाली है, शर्ट डाली है सॉरी, ये मतलब कहाँ से लेके आए? मतलब पहली बार देख रहा हूँ आपको मैं ये ग्रीन शर्ट। ऐसे तो मैंने डाली हुई है इंस्टाग्राम पे कई वीडियो, मतलब ये हाँ अच्छा अच्छा बस ये ली हुई है अपने दुकान से ले ली, कैटल में कैटल से लिया। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बाकी भजन सुनना आप अपने जो देव राग धार्मिक पे भजन आया हुआ है अपना, ये बहुत ही बढ़िया गा रखा है। किसने गाया सर ये एक बार बताओ दर्शकों को। ये वैशाली जी है हमारी ऑफिशियल सिंगर नैनवीश म्यूजिक स्टूडियो की, और उन्होंने गाया है और भजन चले हुए हैं बहुत, मतलब मधुर आवाज है उनकी, बहुत प्यारी आवाज है। अभी आने वाले समय में कितने भजन आएंगे सर उनके? ये लगा लो आप महीने में कम से कम 10-15 भजन तो आएंगे, प्लस सॉन्ग भी आएंगे। क्या बात है जी। यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना टाइम दोगे, अब गाने गाओगे, गाते रहो, रिकॉर्ड ना करें तो फिर फायदा नहीं है। रिकॉर्ड करने के बाद अपनी कमियां पता चलती है, यूट्यूब पे डालेंगे लोग भी बताएंगे कि आपकी आवाज, आपका म्यूजिक मिक्सिंग मास्टरिंग कैसी है। रिव्यू आएंगे, मान लो उनमें से 10-15 ने बोला भाई ये चीज खराब है, ये मजा नहीं आ रहा, तो भाई इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, वो चीज ठीक हो जाएगी। फिर सर अभी बहुत सारे आप दर्शक है वो पूछना चाहते हैं भाई कैसे सिंगिंग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या आप दिशा निर्देश देंगे? सिंगिंग के लिए देखो आप घर पे भी कर सकते हैं, बट उससे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको कि कैसे क्या रियाज होना चाहिए। तो उसके लिए एक उस्ताद की, एक गुरु की जरूरत होती है, किसी अकेडमी में जाके सीख, किसी क्या हमारी अकेडमी में आगे सीख। अगर नहीं, नैन बीट म्यूजिक अकेडमी हमने खोली हुई है, सिखाते भी हैं। अगर सर अकेडमी के जैसे पैसे नहीं है किसी के पास भाई, मतलब बहुत ही टैलेंट वो करना चाहता है बट उसके पास वो पैसे नहीं है, तो वो कैसे कर सकता है सर? फिलहाल तो ये है कि देखो जो सीखना चाहता है, मान लो 18 साल से कम उम्र है जिसकी, सीखना चाहता है और पैसे नहीं है, ये लगा लो आप 18 साल से कम, तो माँ बाप पे निर्भर है, वो माँ बाप उसके कर सकते हैं। 18 से ऊपर है तो फिर वो खुद काम कर सकता है जी, है ना, ये लगा लो 500-1000 रुपए दिन की कमा सकता है कोई भी काम करके जी। और हमें कोई काम करना है, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, बिना इन्वेस्टमेंट के सीख जाओगे बट वो वैल्यू नहीं समझोगे आप। जी सर जी, ठीक है। और यदि आपकी 100 रुपए भी इन्वेस्टमेंट हो रही है कहीं पे, तो आप उसको सीरियस होकर सीखोगे कि मेरे 100 रुपए इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि एक गरीब बंदे के लिए, नॉर्मल बंदे के लिए 100 रुपए बहुत होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट। और अभी सर मैंने आपकी जैसे एडवर्टाइजमेंट देखी थी, तो आप ऑडिशन लेके आ रहे हैं सर, वो एक बार दर्शकों को बताइए सर कि कैसे, कब से है, कैसे है, किस में फॉर्म भरना है? ऑडिशन आ रहे हैं नाइन बीट्स के, 1 तारीख को ऑडिशन होगा, 1 जून 2024 को हम 50 बंदों को बुला रहे हैं, जिसके अंदर हम 3 सिंगर को सिलेक्ट करेंगे और 3 अपने राइटर्स को सिलेक्ट करेंगे, जो बेस्ट सिंगर होंगे और जो बेस्ट राइटर होंगे। बेस्ट राइटर हमने 3 सिलेक्ट किए, उनके लिरिक्स लेके उनसे, और जो बेस्ट 3 सिंगर होंगे उनसे गवाएंगे अपन, ठीक है? ठीक है। इसमें मान लो कोई बंदा बोलता है कि मैं तो सिंगर और राइटर दोनों के लिए ऑडिशन दूंगा, तो क्या है कि हम बेस्ट सिलेक्ट करेंगे। यदि आप बेस्ट हो, सिंगर भी बेस्ट हो, राइटर भी बेस्ट हो, तो आप अपना खुद का गाना आप खुद गाओगे, ठीक है। यदि आप बोल, हमें लगता है, जजेस को लगता है कि
सिंगिंग इतनी बेटर नहीं है बट लिरिक्स आपने बहुत अच्छे लिख रखे हैं, तो आप लिरिक्स में सिलेक्ट हो, आपके लिरिक्स बेस्ट सिंगर से गवाएंगे जो हम सिलेक्ट करेंगे। सेम आपकी गायकी बेटर है बट आप लिखते इतना अच्छा नहीं हो, मानो मीडियम लेवल के लिखते हो, तो आपको लिरिक्स हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो गाने होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे डालेंगे। और मान लो ये चीज आपको होनी चाहिए कि मान लो कि दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो दोनों की फीस कटेगी, एक पोजीशन के लिए जैसे सिंगर के लिए अप्लाई करते हो तो सिंगर की फीस कटेगी। सर जजेस कौन रहेंगे अपने इसमें? जजेस रहेंगे हमारे सर चंद्र मोहन जी, सर जयदेव फ्रांसवाड़ा और मैं रहूंगा सर। ठीक है सर, ठीक है। तो सर उसकी फीस है 499 रुपए है, आपसी बात है 500 रुपए में आपका गाना बन रहा है, आप जीत रहे हो और आपका गाना मार्केट में आ रहा है 500 रुपए में, 20,000 रुपए का काम हो रहा है, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। यदि आपके अंदर टैलेंट है और 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करके आपका गाना पूरा तैयार हो जाएगा और मार्केट में आपकी एंट्री हो रही है बड़े लेवल पे, नाइन बीट्स का चैनल है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, और अभी मेरे ये सोच लो कि हमने बड़े बड़े सिंगरों के साथ भी हमारी बात चल रही है, आंसू ट्विंकल जी होंगे, नोनू राणा जी होंगे, इनके साथ हमारा वर्क आ रहा है, हमारे बड़े भाई हैं बलराज नैन कनेडा वाले, मिलियनों में गाने गए हुए, आप सर्च करना मानोगे नहीं, और उनकी ही मतलब स्पोर्ट से आप स्टूडियो में काम कर रहे हैं, क्या बात है। वो अभी कनेडा में वर्किंग है, उनके भी गाने बहुत जल्दी आएंगे, और ये लगा लो कि हार्डवेयर प्लगइन के साथ हम मिक्सिंग करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया काम करके देंगे। पोस्टर आर्ट जोन से बनाते हैं, आर्ट जोन के पोस्टर देखना आप, सर्च करना इंस्टाग्राम पे आर्ट जोन की प्रोफाइल, कितने गदर मतलब ये लगा लो नॉर्मल बाहर लेते हैं 1500 रुपए में एक पोस्टर बनाते हैं, 700 रुपए में पोस्टर बना के दे रहा भाई, 2800 रुपए के चार पोस्टर, मतलब आप इतना फायदा कर रहे हैं, 2500 रुपए में बनेंगे भाई, इससे बेस्ट क्या होगा। और पोस्टर के पैसे देन लेंगे, जब आप बोलोगे ना पोस्टर पसंद है, म्यूजिक पसंद है, देन पैसे लेते हैं भाई अपन, समझ गए। क्योंकि और स्टूडियो में क्या है कि पहले पैसे दो, वो भी 30,000-35,000 500 में भी कर देते हैं गाने, बट 535,000 का तो फर्क आपको पता ही है। सर एक बार दर्शकों को बता दीजिए, ये जो व्लॉग आप बना रहे हैं, जो चीज बना रही है, डेली आएंगे अलग अलग चैनल पे आएंगे, दो चैनल पे आएंगे, ये बता दीजिए। दो चैनल है हमारा, हमारे जो दो चैनल है, मंदीप लदानिया व्लॉग्स हो गया और रोबिन मलिक के नाम से है, बिल्कुल, और ये दो चैनल है हमारे, और ये सोच लो कि डेली के व्लॉग आएंगे, जहाँ तक कोशिश रहेगी हम एक भी दिन की छुट्टी नहीं करेंगे आप लोगों के लिए, उसमें कुछ आपको नॉलेज मिलेगी कि स्टूडियो में कैसे आते हैं, कैसे हम बताते हैं कि कैसे गाने आपको, कैसे सिंगर को कंपोजिशन लिरिक्स ठीक करवाते हैं, कईयों को लिखना भी नहीं आता फिर भी ठीक करवाने पड़ते हैं। जी, 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 जी। हर एक दुकान है तो दुकान में हर तरह का बंदा आता है भाई, अपनी स्टूडियो स्टूडियो में भी हर तरह का बंदा आएगा, सीखा हुआ भी आएगा। रवि भाई ये क्यों डक, रवि भाई क्यों डक, और अपने ने बनाओ भाई ने बनाओ, बना चल रहा है फ्लो, क्या था भाई तेरी, क्या तेरे बनाओ पलस की दोनों को है कस्टमर अपने भाई, मार के हाइड रहेंगे भाई, फिर नहीं कहता भाई, रवि क्यों डक है भाई, क्यों डक काला रवि है, एक बार कई गाने करा ली रिकॉर्ड, चैनल क्रेजी बीट्स के नाम से है, भक्त महाकाल का गाना है और बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी ये हिट भी होने वाला गाना है भाई, अपना एक्सपीरियंस बताओ। बहुत बढ़िया म्यूजिक बनाया है भाई ने, बहुत अच्छा म्यूजिक है, सारे भाई आओ और देखो। दूसरी स्टूडियो में और अपनी स्टूडियो में क्या फर्क है? बहुत बढ़िया म्यूजिक है, उस स्टूडियो का तो मतलब जो रेट भी था बहुत ज्यादा था, इस भाई ने अपने खुद का बहुत अच्छा बजट किया। ये दूसरी स्टूडियो में से कस्टमर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ जेन्युइनली काम है, यूनिक कर रहे हैं हम और स्टूडियो से, पहले भाई ने दूसरी जगह पे करवाया, अब दूसरी जगह पे आ रहे हैं, इनको रेट में भी काम में भी यार एक चीज बताई, अभी भाई बोल रहे हैं मैं सीखूंगा भी और मतलब इम्प्रूवमेंट कर, भाई कहां से हो आप एक बार बताओ, कैसे हूं भाई, ठीक है भाई, का इंस्टाग्राम पे बहुत सी रील चली हुई है, फेमस है बहुत, बिल्कुल बिल्कुल पूरा भाई बहुत बढ़िया, रील ये लगा लो 4-5 रील के बाद भाई की रील आ जाती है मेरे, तो अभी आ रहे हैं हमारे साहिल भाई आ रहे हैं, खानपुर से आए हैं वही, फोकस तो साहिल भाई आए हैं जी अपने सहारनपुर से आए हैं और इनके गाने चले हुए हमारे पास और अभी पहुंचे हैं, अभी काम करेंगे, दिखाएंगे आपको कि कैसे मतलब भाई गाते हैं, कैसे गाना तैयार हो रहा है, कैसा म्यूजिक बना है, सारी चीज बात भी करेंगे भाई से, भाई कैसा तकलीफ हुआ क्या रहा जी, बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है जी, सफर में आए हैं, बहुत दूर पड़ता है, गर्मी काफी हो गई है ना जी, बहुत ज्यादा काफी,
सुबह 7 बजे करीब भाई ने मैसेज किया था कि ये चल चुके हैं वहाँ से, रवाना हो चुके हैं स्टूडियो के लिए, तो भी पहुँचे ही लगा दो, 4-5 घंटों का सफ़र है बीच में से, है ना। तो करते हैं थोड़ी देर में बात, की दिखाते हैं आपको कैसे क्या म्यूजिक बना है। कि ये मतलब कैसे आए, कैसा मतलब कितने बजे चले, कैसे इनका एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा सा और एलोब्रेट कर रहे हैं, तो आप प्लीज इसका सुनना। हाँ जी, कि हाँ ऑनेस्टली से बताओ भाई, क्या बता रहे थे अभी हमें भाई। हम मैं आज तक बाहर नहीं निकला कम, आज तक मैं कभी भी नहीं गया बाहर का, मेरे मार्केट कभी नहीं। आलू क्या कह रहे थे आप, आलू नहीं खरीदा वो बताओ। सामान भी लेने बाहर, आलू भी लेने बाहर मैं से ही पता करते करते हम आज NBT स्टूडियो पे आए। मतलब आपको डर नहीं लगा भाई, कभी आलू तक नहीं लिया मैंने, डर नहीं लगा, बस बस ऐसे ही जोश आ गया, ऐसे ही चले आए। जोश से चले आए दिनों से देख रही हो आप मेरी भाई वीडियो, तो मेरे को 1 महीना हो गया। क्या बात है, क्या ज्यादा ही हो गया शायद, कम नहीं है इस महीने से। मतलब आपने एक वीडियो में ही सर का नेचर जान लिया की यहाँ पर वीडियो में कितना ऑनेस्ट नेचर होगा उनका। बहुत बढ़िया लगा, बहुत सारे गाने मैंने देखे इनके, मतलब इंस्टाग्राम नहीं, एक वो जो आप आलू वाली बात कह रहे थे ना वो बताओ दोबारा एक बार दर्शकों को। सर मैं ऐसे आलू लेने आज तक कभी भी मार्केट, आलू खीरा जो भी है, हाँ जो भी, सर मैं कभी नहीं लेने गया, मैं सब बड़े हैं तो मैं कभी नहीं गया बाहर। हाँ। मैं ऐसे चला आया हूँ। अच्छा, बस से घर वालों को पता नहीं, 011 नंबर तो लेना ही भूलेगा जो फोन कर। डॉक्टर साहब की वेट में है संदीप जी, कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया गाना हम तैयार कर रहे हैं डॉक्टर साहब के लिए और बहुत बढ़िया बन के आएगा। ठीक है फिर, ठीक है। जोनी भाई जा रहे हैं भाई, कमांडो भाई साहब, ठीक है भाई साहब, एक बार दर्शकों को बोलते बाय बाय। बाय बाय, क्या बात है। तो बहुत दिनों से देव आ नहीं रहे थे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, मतलब खेत चाहेंगे हम। बस भाई ये इसी के लिए जाने जाता है, छोड़ की इनको और अब ये लगा लो रैप आएगा फिर एक कलाकार को ना जितना दुख मिलता है उतना अच्छा गाना बनता है ना, क्योंकि वो दुख उसके गानों में पेश होता है। मोटिवेशन देखना फिर नेक्स्ट गाना कैसे होगा उसमें, क्या लड़की के लिए सबके लिए गाना है, दिल तोड़वाओ और कामयाब होते जाओ। दिल तोड़वाओ और काम होते जाओ, क्या बात बोली है। चलो आगे मिलते हैं सर जी के साथ, दिखाते हैं थोड़ी देर में, डॉक्टर साहब आएंगे फिर मिलवाएंगे उनसे भी और उनकी स्पीच सुन के तो आप फैन हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब आ चुके हैं अपने स्टूडियो में और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम डॉक्टर साहब जी। नमस्कार सर जी, मेरा भी नमस्कार। नमस्कार सर, सर इंतजार कर रहे थे हम कभी से, डॉक्टर साहब आएंगे वर्क स्टार्ट होगा तो चलो अभी आ चुके हैं सर। देवम भाई आ जाओ, तो अभी डॉक्टर साहब के लिए गाना तैयार कर रहे हैं और हमें मौका मिला है डॉक्टर साहब जी के साथ सर जी टाइम काम करने का। आप भी सर जी कुछ कहिए दर्शकों को सर जी। हाँ, आप हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा सॉन्ग जो हमारे युवा विदेशों में काम कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने विदेशों में झंडे गाड़े हुए हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए और युवाओं को एक सही दिशा में ले जाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए उनको एक गाना हम निकाल रहे हैं। सर आप मतलब ये प्रेरणा दे रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, अपने दिल से कर रहे हैं या मतलब कहीं से बचपन से ही आपका ये था कि आप ये चीज करें? समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं, किस प्रकार से हमको गानों के माध्यम से, मैं देख रहा हूँ आजकल युवा जो हमारे हरियाणवी यूथ है वो बहुत ज्यादा सुनता है सॉन्ग्स को, हरियाणवी कल्चर का बोलबाला है आज जी 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 सारे हिंदुस्तान में,
तो ऐसे मौके पे अच्छे संदेश देने के लिए मैं कहता हूँ गाने से बढ़िया कोई माध्यम नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हमें मजबूरन इस फील्ड का और इस का सहारा लेना पड़ा। मतलब युवाओं को एक अच्छी दिशा, आप मतलब युवाओं को सर एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं, चलो प्रकार से युवा सही दिशा पे जाए। कब आएगा सर ये गाना ये भी बता दीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि ईश्वर की कृपा से 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपके मार्केट में आपके पास। और ये सर ऑडियो में आएगा या वीडियो में आएगा सर ये भी बता दीजिए। दोनों में आएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, इसको एंजॉय तो थोड़ा सुनाएंगे सर, मतलब अगर हो जाए सर थोड़ा सा सुनाएंगे तो लीक हो जाएगा, लेकिन प्राउड फील करेगा प्रत्येक हरियाणवी। गाना इस प्रकार का रहेगा, ठीक है जी, हमारे प्रत्येक युवा, हमारी जो हरियाणवी कल्चर है, हमारे जो हरियाणा के सारे जिले, बिल्कुल जी बिल्कुल, इस प्रकार से वो प्राउड फील करेंगे जी हरियाणवी उसको। आप किसके साथ आ रहे हैं सर कोलैब के साथ अभी, मतलब आप जैसे देवम का सर जी नाम ले रहे हैं, वो कौन है सर बता दीजिए। हमारा जो नैन बीट स्टूडियो है, म्यूजिक कंपोजिशन पिछले 7-8 दिन से हम चल रहे हैं जी। म्यूजिक भी हम ऐसा लेके आना चाहते हैं जो हर किसी के दिल में सीधा एकदम से दिल में उतरे। जी जी जी, से हम 7-8 दिन से मेहनत कर रहे हैं कि एक अच्छा सा मतलब टीम है सर, मतलब आपकी पूरी बड़ी है, नैन बीट्स के उसमें स्टूडियो में हम कर रहे हैं। ठीक है।